जी शेयर जी, वेलकम टू लंदन। आप यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त शो कर रही हैं और आपके तमाम शोज़ सोल्ड आउट हो रहे हैं, स्पेशली जो अभी आपने रॉयल एल्बर्ट हॉल में किया। तो ये टीवी 786 बेसिकली सबके लिए चैनल है, ब्रिटिश पाकिस्तान, ब्रिटिश इंडियंस, ब्रिटिश अफ्रीकन जो भी हैं। लेकिन स्पेशली बात यह कि हम जो ये रिपोर्टिंग देते हैं ये पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली जो इंडिया से लोग आते हैं और जो पाकिस्तान, जो इंडिया के आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं जा सकते, तो उनके लिए स्पेशली हम एक ब्रिज हैं इन बिटवीन। तो हम ये आपसे, ये हमारा क्वेश्चन है और आपका एक मैसेज भी होगा कि उन ब्रिटिश एशियन तो यहाँ ठीक है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान के लोग आपके गाने इतने पसंद करते हैं कि उसका बयान मैं आपको क्या करूँ, आपको खुद ही पता है। तो आप सबसे पहले यहाँ जो हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज दें, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में आपके फैंस हैं, पूरा पाकिस्तान, ठीक है, जैसे आप लोग हैं, तो उसके लिए आप कुछ कहें। तो पहले तो मैं, मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, किसी भी कोने में बैठे हैं पूरी दुनिया के, उनको मैं अपने दिल से धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आज जो भी बनी हूँ इज़ बिकॉज ऑफ यू पीपल। आपने सराहा मेरे म्यूज़िक को, और म्यूज़िक की वजह से आपके दिलों में मैंने जगह बनाई, और उसी से आपने ये ढूंढा कि हाउ शी इज़ एज अ पर्सन। धीरे धीरे आप मुझे जानने लगे मेरे म्यूज़िक की वजह से। सो ये जो रिश्ता है वो बहुत अनोखा है, और ये प्यार भी बड़ा यूनिक सा प्यार है। जो यहाँ पे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, उनको मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि हर वक्त आप मेरे कॉन्सर्ट में आते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और बढ़ावा देते हैं, और मुझे हमेशा वापस खींच के लाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड द पीपल बैक देयर इन पाकिस्तान जिनसे मैं सामने सामने नहीं मिल पाई हूँ अभी तक, पर बहुत बहुत इच्छा है कि मैं आपके सामने आऊँ, आपके साथ बैठ के आई सिंग फॉर यू देयर। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, मेरे म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेरे बहुत को सिंगर्स हैं, राहत साहब हैं, आतिफ हैं, इनके साथ तो मैंने बहुत काम किया है। सो ये जो एक्सचेंज ऑफ लव हैपन्स थ्रू म्यूज़िक द होल टाइम, एंड आई होप दैट आई एम एबल टू कम टू यू। आपने जो प्यार दिया है उसके वजह से ही हम बने हैं जो, so I hope to see you soon। तो अगर आपको पाकिस्तान की दावत दी जाए तो आप वहाँ पे ज़रूर जाएंगे? बिल्कुल, पाकिस्तानी म्यूज़िक एंड पाकिस्तानी खाना, आह बिल्कुल।